आज हमने साड़ी से दो तरह की ड्रेसेस क्रिएट की हुई हैं। तो पहला ड्रेस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इस लहंगे को हमने क्रिएट किया है साड़ी से। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्हें इस लहंगे के साथ लॉन्ग कुर्ती चाहिए थी, तो हम एक एक करके इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करते हैं। सबसे पहले साड़ी के हाफ पार्ट की बात हम करते हैं। तो साड़ी के हाफ पार्ट में यहाँ नीचे ऑल ओवर ये लेस अटैच थी और इस तरह के फ्लावर्स इसमें 7 बने हुए थे, तो हमें 3 फ्रंट में, 3 बैक में एंड 1 एक साइड में रख करके इसको क्रिएट किया है। इस लहंगे को बनाने के लिए हमने कोई कटिंग नहीं की है, ओनली हमने यहाँ पर प्लेट्स डाले हैं। इन प्लेट्स को हमने स्टिच किया है अपर पार्ट में ब्रॉड स्टिच करते हुए, यहाँ से आकर के बॉर्डर से 4 इंच पहले हमने इस प्लेट्स को एंड कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तो 1-2 फ्रंट में प्लेट्स आई हैं एंड 2 बैक में आई है, एक साइड स्टिच में आया हुआ है। इसके बाद कस्टमर की हाइट के अकॉर्डिंग हमने इस लेंथ को रखते हुए इस साड़ी के अपर पार्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उस फैब्रिक को हमने इस लहंगे के बेल्ट के लिए यूज़ किया हुआ है। इसके बेल्ट पर हमने लाइनिंग के साथ ये बेल्ट अटैच की हुई है, अंदर में हमने कॉटन की लाइनिंग ली हुई है जिसको भी हमने 6 कलियों में कट किया है। इसका डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साइड में जिप अटैच करते हुए हमने यहाँ पर इस लहंगे को तैयार किया है जिसे कस्टमर को पहनने में कंफर्टेबल हो। साथ साथ हमने ये डोरी डाली हुई है इस लहंगे का फुल लुक देने के लिए, हमने हैवी हैंगिंग्स लगाई हुई है। अब हम बात करते हैं इसके अपर पार्ट की। अपर पार्ट को हमने पल्लू के पार्ट से क्रिएट किया है। पल्लू के पार्ट का फैब्रिक और ये लहंगे का फैब्रिक बिल्कुल डिफरेंट था। ये फैब्रिक जॉर्जेट मटेरियल का था और ये फैब्रिक स्ट्रेचेबल काइंड ऑफ मटेरियल था जिसके ऊपर ये रबर प्रिंट बनी हुई है। काफ़ी ओल्ड साड़ी है बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड इस तरह से इसकी कुर्ती को हमने क्रिएट किया है। जो बॉर्डर पर ये लेस लगा हुआ था इस लेस को हमने जॉइंट करके यहाँ गले के योक पार्ट पर यूज़ किया है, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 लेसेस को अटैच किया हुआ है और फिर हमने ये योक क्रिएट किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने किनारे में ये बॉर्डर लगा करके जिसे समोसा लेस कहते हैं, इसे भी हम यहाँ बॉर्डर में लगा के गले में लगा के एंड हमने इसको स्लीव पर भी डाला हुआ है। साथ में इसे हैवी लुक देने के लिए हमने स्कर्ट से मैचिंग टसल्स यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये लहंगा का लुक आता है जैसा कि आप देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये साड़ी का भी और इससे इससे बना हुआ ये कुर्ती भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी से बना हुआ एक और डिज़ाइन। ये साड़ी उन्होंने प्लेन फैब्रिक लेके बनवाया था जिसको उन्होंने डाई करवाया था। इस साड़ी में हाफ पार्ट ग्रीन था एंड हाफ पार्ट ब्लू था। सेकंड थिंग इसमें इसलिए दो तरह की लेसेस अटैच थी, फर्स्ट ये एम्ब्रॉयडर्ड ग्रीन लेस एंड सेकंड ये मजेंटा लेस। इस लेस को हमने इस ड्रेस पर बहुत ही खूबसूरती से ऐड किया है। टू एंड हाफ मीटर पार्ट था ये ग्रीन वाला एंड 2.5 था ब्लू वाला। तो इस ड्रेस को जब हमने रेडी किया प्रिंसेस कट में तो ये फैब्रिक कम पड़ रहा था, इसलिए हमने पल्लू पार्ट का ये फैब्रिक यूज़ किया। ड्रेस को हमने 12 कलियों में बनाया है, इसमें फ्रंट में 6 कलियाँ हैं एंड बैक में 6 कलियाँ हैं। साथ में इसमें हमने कॉटन की लाइनिंग ली है। इस लाइनिंग को भी हमने 6 कलियों में काटा है जैसा कि हमने लहंगे में लिया था। इससे होता है कि फैब्रिक में अच्छा खासा फ्लेयर आ जाता है। ऊपर में हमने प्रिंसेस कट में लिया है, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग हमने बैक में छोटा गला रखा है एंड इसको हमने स्लीवलेस ही रखा है विथ ब्रॉड शोल्डर क्योंकि उनको ऐसा ही चाहिए था। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर के जैकेट की, जो कि कुछ इस तरह का बन करके आया है।
क्रिएट करने के लिए पल्लू के पार्ट को हमने यूज़ किया है, साथ में जो लेसेस थी बॉर्डर में उन्हीं लेसेस को हमने इस जैकेट में भी यूज़ किया है। ऊपर में आकर के हमने यहाँ पर वी शेप देते हुए पीछे में छोटा नेक, साथ में बटन्स एंड लूप्स लगाई हुई हैं। स्लीव में भी कपड़ा कम था तो हमने यहाँ पर ज्वाइन दिया है, और इस तरीके से हमने ज्वाइन पर लेसेस डाल करके इस डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है। तो अब मैं आपको इसका ओवरऑल लुक दिखाती हूँ गाइस, कुछ इस तरह का आता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन, कस्टमर पर डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा डॉल लुक आ रहा था। तो इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग आपकी डिमांड पर मैं अपने चैनल पर ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, ये लुक कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। गाइस मेरा ये चैनल किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद मेहनत करती हूँ, ये वीडियोस बनाती हूँ। आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।